भी शादी से वापस आए और जो दुल्हन साहबा थी वो अपना सब मेकअप वगैरह उतार रही है। थक गई हूँ, आवाज भी बैठ गई। सर आ क्या हमें कि मैं आ क्या हमें आवे बना। चलो अभी रोटी खाने वहीं जाना है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से? आज कहेंगे कि राबिया अभी भी बिल्कुल भी सजी हुई नहीं। तो अभी सजने मेकअप वेकअप सारा उतर गया जी, अभी सजना है लेकिन थोड़ी देर है अभी। वो क्या कहते हैं कि सब ब्यूटी पार्लर वालों का कमाल होता है जी, वरना असल हकीकत जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। आज अभी इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर वलीमे की देगे वगैरह बन रही हैं। अभी आपके साथ राबिया जो है वो खुद देगे बनाएगी और आपके साथ शेयर करेगी कि तो वो जो देगे पकाने वाला है उसको छोड़ दी। अच्छा इतना अभी क्या करे? गोल जालो तो मसाला चल रहा है, मसाला भुन चुका है। शाबाश शाबाश शाबाश। कितना थी, थी, थी। कितना डलेगा राबिया एक में? 3 किलो गोश्त, 2.5 किलो इंदर, 2 किलो उंदर है। नीचे नहीं गिराओ, नीचे धो के आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बरकत दे। समझा नहीं ना? तो तुम पकाओगे कैसे? पका लोगी तुम? हाँ। नहीं मुझे एक बात बताओ, ये देगों के पीछे खड़े होके कौन पकाता है? आके खुलेंगे तो देगे भी उस्ताद उडू खार नहीं पकी नहीं देग इडू गेंद पका। छोड़ा को बिठा दिया आपने? ये दूल्हे का अब्बा है जी, खुद ही काम काज कर रहे हैं। हम खुद पके से ऐसे दोनों कारीगर हो गए। चढ़ोया भी हंस रहा है हमारी बेबसी पे। वो देख रहा है कि ये देखे आज किस डिजाइन के साथ बन रही है, आज पक कैसे रही है ये। बस ये बरातियों को खाना नसीब कर बस मिर्च मसाले और देखे पकी मिर्च मसाले बराबर रखना, ऐसा ना हो कि जो भी खाने के लिए है वो कहे कि ये कि कौन से उसने बनाई है ये देख। राबिया पंजाबन ने चली नहीं है, थोड़ा उधर आओ थोड़ा इधर आओ। ये भी तो गोश्त ना मिक्स करा, ऐसे कैसे मार रही हो? ऐसे गोल घुमाना होता है। अपने हाथ नहीं चला देना ऐसे थोड़ी, ये घर की जो तुम्हारी वो देखची थोड़ी है कि तुम इसमें चमचा हाथ से बैठ के हिला रही हो, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं नहीं चमचा हिलाना नहीं है, चावल थोड़ी है तो चमचा मारते रहे। अभी कुछ भी नहीं करना, अभी इसको ढक दो। अभी ढक दूं? ऐसे है ना उस्ताद, अभी ढक दिया जाएगा, अभी ढक दो बस। बाद में जब पक जाएगी फिर इसको उतारना, अभी बस A1। हाँ A1 लिखा हुआ है। मसालों के बारे में बताओ क्या क्या डलता है? धनिया है, साबुत धनिया, ये गरम मसाला भून कर इन्होंने हल्का सा कूट लिया है। अच्छा, और ये गलती मिर्चे हैं, ये हल्दी है। बस सिर्फ नमक मिर्ची डालेंगी क्या? नहीं ना, वो डब्बे देना। इसके अंदर क्या है? कोरमा मसाला, ये भी बिरयानी मसाला, बिरयानी मसाला। लेकिन गोश्त में बिरयानी मसाला? नहीं ना, वो अलग बनेगी ना बिरयानी। कल बनी थी ना ये, कल बनी। चावल पके सो? कल बनी थी। चावल पक से नोट या गोश्त रोटी है और बस? अच्छा, ये मतलब कल वाले बिरयानी के बचे हैं, ये अचार गोश्त है और ये कोरमा मसाला, ये डालेंगे। अच्छा, एक एक डब्बा एक देख में?
ये भी डालेंगे एक डब्बा एक देग में बहुत होता है ये देखो हम आज बिरयानी में हैं उस्ताद एक डब्बा बहुत है नहीं ना कोरमे में आज हम चावल अचार गोश्त भी डालेंगे नहीं वो तो है मसाला भी डालेंगे कोरमा मसाला भी डालेंगे नहीं उस्ताद बिरयानी मसाला पैसों क्या नहीं 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 बिरयानी मसाला थोड़ी डालेगा क्यों बिरयानी थोड़ी बन रही है तो कोरमा बन रहा है अचार गोश्त और कोरमा डालेंगे वो डाल दे बोला ओ शादी बन दी पियो देखो शादी देगा पकदा पेन रोटी खा रोटी खावनी है आज मताई में भज वने रोटी खा तो कितना देगा पागन देगा थोड़ा तकरीबन 15 तक कोने दे माशाल्लाह माशाल्लाह गरीब है 15 ये दे रहे हैं मेरी शक्ल तो दिखाओ कितनी देर है मम्मी को पकाने बस 10 मिनट 10 मिनट अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह जो पहले है वो जो रूटीन वाइज होता है कि यहाँ पर वलीमा जो है जो ख़ास मेहमान आते हैं उनको कुछ को यहाँ ही बिठा के खिलाया जाता है और कुछ को उनके घर के लिए दे दिया जाता है शादी ज़्यादा खा के दिए क्या ज़्यादा खा के दिए सुत्ता भाई सवेर दा नेंद्रे गोश्त ज़्यादा था गर्मी खाता आज वलीमे का सूट पहना हुआ है माशाल्लाह आज भी अच्छी लग रही है आज तो खुद ही तैयार हुई हो ना आज तो किसी पार्लर में नहीं गई हूँ शादी तो खत्म हो गई वो जी सामने कनात लगा हुआ है अस्सलाम वालेकुम जी उम्मीद करता हूँ हमारे तमाम देखने वाले अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे हंसते बसते और खुशबाश होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और मैडम साहब अपना तारुफ और अपनी तबीयत खुद बताएंगी मैंने सुबह सलाम कर लिया था फिर भी मैं दोबारा सलाम करूंगी अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों क्या हाल है ठीक ठाक हैं खैरियत से हैं जा रहे हैं खुश रहें आबाद रहें मेरी तबीयत भी फ्रेश है मैं भी फ्रेश हूँ आप सुनाएं आपकी तबीयत कैसी है आप कैसे रहे अल्हम्दुलिल्लाह वो सब भी ठीक होंगे जी अभी एक शादी ख़त्म हुई है अभी अभी हाँ जी अभी अभी और अभी हम लोग समझ लें कि आज वलीमा भी था और दूसरी शादी भी है आज हाँ जी। दूसरी शादी नहीं है दूसरी मंगनी है मंगनी है तो अभी हम जा रहे थे वहीं मैंने तो वही सूट पहना हुआ है मैडम साहबा ने अपना ड्रेस चेंज किया है ये अभी सिलवा के आई है क्योंकि वो ड्रेस जो मैंने कल पहना था वो भारी था ड्रेस आज ये खुद तैयार हुई है हाँ जी आज मैं खुद तैयार हूँ चलो शुक्र है कि आज थोड़ा सा टीका लगने से बच गया है आज मुझे बताना कि मैं आज कैसी लग रही हूँ आज कैसी लग हर वीडियो में कैसी लग रही हूँ जी आपने डिसाइड जरूर करना है और वो भी हर वीडियो में यही कहते हैं कि आज आप बहुत अच्छी लग रही है हाँ जी काफी मेरे बहन भाइयों ने मुझे यानी कि मेरी तारीफ की मुझे खुशी हुई आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया प्यार का शुक्रिया अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे जा रहे खुश रहे आबाद रहे अल्लाह ताला आपको वो खुशियाँ दिखाए जिनके आप लोग मुंतजिर हैं और जी अक्सा की जो है आज तबीयत खराब है अक्सा इधर देखो नीचे बैठ के खेल के सलाम करो अस्सलाम वालेकुम क्या हुआ तबीयत को आज क्या है चप्पल चेंज कर ली आज ऊपर देखो तबीयत को क्या सवेरे बुखार आ गया सितारा भी बनाया हुआ तुमने दिखाओ ये जी स्टार भी बनवाती है उस दिन आपको उधर से दिखाया था कि दुल्हन का घर अभी यहाँ से दिखा रहा हूँ ये वाला दुल्हन का घर था ये सेंटर वाला और ये गली में जाके ऐसे टर्न होंगे तो इस तरफ दूल्हे का घर था मैडम साहब ये भी थक के बैठ गई है और ये अच्छी बात है कि हमारे जो गांव वाले हैं समझ लें एक तीर से दो शिकार करते हैं कि अगर किसी बड़े की शादी होती है तो उसके साथ या तो किसी बच्चे का खतना कर देते हैं या फिर किसी की मंगनी कर देते हैं कि एक ही खाने में दो बरातें दो शिकार तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था जो जैसे मैंने आपको दिखाया है कि ये दुल्हन का घर था और उस तरफ था दूल्हे का घर और आज दुल्हन का घर हो गया आज आज है जी वो दुल्हन का घर और ये दूल्हे का घर मतलब ये है वट्टा सट्टा वट्टा सट्टा हुआ है यानी के वैसे ये होना तो नहीं चाहिए लेकिन ये है कि रिवाज है आपस में भी वो और ये आपस में सगे चाचा के बेटे हैं कजन है इनके बाप भी कजन कजन है उनके आगे औलादे भी कजन कजन चलो ये भी अच्छी बात है ना कि आपस में ही मतलब के रिश्ते कर रहे हैं बाहर कहीं नहीं है तो
तो हमारे यहाँ जो देते हैं ना अपनों में ही देते हैं, बाहर नहीं। तुम्हारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ। अब तो मेरे ही यहाँ हो गए ना। अब तुम्हारे यहाँ हो गए, अब तुम्हारे, क्योंकि तुम भी अभी पक्की सराय की बन गई हो। हमारे पंजाबियों में नहीं, जिस घर देते हैं उस घर से। क्या कह रही थी? और जिस घर हमारे यहाँ ना, हमारे पंजाबियों में जिस घर देते हैं उस घर से लेते नहीं। मैं तो फ्री में ले आया था इसको, वहाँ देते नहीं। मैं तो इसको फ्री में ले आया था। हमारे पंजाबियों का रिवाज जो था फ्री में फी सबी लीला। और आज अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मेरा बदला भी होता था, कौन है मेरे पीछे, कोई नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ तीन भाई हैं। इन, ये भी अपने घर में आखिर का है और मैं भी अपने घर में आखिर के लास्ट। ना इनका बदला था ना मेरा बदला था। चलो कुछ भी है, अल्लाह पाक ने हमारी जोड़ी लिखी हुई थी, क्योंकि जोड़ी आसमानों पे बनी। जैसे अल्लाह पाक ने हमारी जोड़ी यूट्यूब पे लिखी थी कि ये शादी होगी, फिर यूट्यूब पे चैनल बनाएंगे, यूट्यूब पे आएंगे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाम होगा एक। हाँ जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी। अब्बासी हाउस जिंदाबाद। अब्बासी हाउस होगा इनका अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब आप बहन भाइयों की मोहब्बत की वजह से हो पाया है, प्यार है। अल्लाह ताला आपको खुश, आप हमें इतना पसंद करते हैं, इतना पसंद करते हैं कि हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम किन अल्फाजों में आप लोगों का शुक्रिया अदा करें, शुक्रिया अदा करें, तारीफ करें। अल्लाह ताला, बस मैं तो यही दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला आप लोगों को जहाँ रखे खुश रखे, आबाद रखे। आमीन सुमा आमीन। कल तक इसी पूरे सहन में जो है ना बारात भरी हुई थी, पूरे सहन में, इधर भी चार पाई है, इधर भी चार पाई है, और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये शामियाना है, इसके नीचे भी, और पूरी बारात थी। और आज जो है, और उस तरफ जो थी वो जो आपने देगें देखी हैं पकती हुई, वो उस जगह पे पका रहे थे सुबह, राबिया पका रही थी जो सुबह उस जगह पे। और आपको पूरा माहौल दिखाया है। तो अभी जो है शादी एंड हो चुकी है और हर कोई अपने अपने घरों की तरफ जा चुका है, और हम भी अपने घर की तरफ जा रहे थे। और हम भी अभी टाटा बाय बाय करके उड़ गई हैं, और हम भी अभी शादी वालों को टाटा बाय बाय करके तो अपने घर की तरफ जा रहे थे। मैंने सोचा अब यहाँ पर ही खड़े होकर अपनी वीडियो का इख्तिताम कर लें, और वो लाइटिंग वाले भी अभी लाइटिंग वगैरह जो है वो अपनी उतार रहे हैं, वहाँ से मूवी वगैरह भी बनाई है इन्होंने, और लाइटिंग वाइटिंग भी उतार रहे हैं ये। हाँ जी। और हम लोग भी अभी उनसे भी टाटा बाय बाय करके घर जा रहे थे, और आपसे भी टाटा बाय बाय करेंगे कि जहाँ रहें खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, इंशाल्लाह हमें शामिल रखें, और हम आपको अपने दुआओं में शामिल रखें इंशाल्लाह जी। मिलेंगे बहुत जल्दी किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा हम लोगों को याद, हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगेबान।